अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए हो जाए, उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खा। अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए हो जाए, उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खा। अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का। उधर मुसलमान फकीरों की किताबों में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, सारे इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। क्यों किसी जीव की हिंसा करते हो, पशु पंछी या मनुष्य की है, बच्चे बच्ची की? अरे भाई, जैसे तुम में आत्मा, जैसे जीवात्मा वैसे उनमें भी है। उतनी तकलीफ तुमको, उतनी तकलीफ तुमको, तुम भी रोते हो और वो भी बेचारे रो रहे, तो तुम्हारी तो मनुष्य तो हिफाजत हो सकती है, उनकी नहीं हो सकी। वो रो रहे लेकिन उनको पहचान नहीं सकता, इनको तकलीफ है कि नहीं है। तुम्हारा फर्ज और काम ये नहीं कि उनको तकलीफ देना, मारना नहीं। पानी पिलाओ, खाना दे दो, जो भी भूसा चारा जो भी है दे दो, और उससे उनसे काम ले लो, उनसे दूध का काम ले लो, और बैल है उनसे खेती का काम ले लो, ये तो आप करो, लेकिन चारा पानी उनको आराम से दे दो, रुका झुका दो, लेकिन दे उनको, क्योंकि वो तुम्हारे नसीब होते। बाकी जंगल में जो जानवर रहते हैं या पशु पंछी कीड़े रहते हैं, उनमें तुम्हारा कोई हक नहीं। अब उनको किसी को मारो मूरो नहीं, तुम अपनी बचत करो, नहीं तुम जाओ।